देखिए, सबसे पहली यही समस्या थी कि वेव्स के लिए मीडियम चाहिए, उस मीडियम में कोई फिजिकल पैरामीटर चाहिए, उस फिजिकल पैरामीटर में डिस्ट मैच चाहिए। तो सबसे पहले इसी समस्या का समाधान करा गया, कहा गया कि लाइट वेव्स के लिए हमें कोई मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है, लाइट वेव्स वैक्यूम में भी जनरेट हो सकती है और उस वैक्यूम में जो फिजिकल पैरामीटर है वह इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को ही हम लाइट वेव्स कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का ही यह प्रोपोगेशन होता है। एंड सिंस द लाइट वेव्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टर्बेंस है और वहां वैक्यूम मीडियम है, और वैक्यूम मतलब नॉन मटेरियल मीडियम, सिंस इट्स अ नॉन मटेरियल मीडियम हेंस देयर वुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई वो एक परफेक्टली इलास्टिक मीडियम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी जनरेट होगी वह सारी सारी एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकेगी, वहां पर किसी भी तरह से कोई एनर्जी का नुकसान नहीं होगा। देखिए, इसके बाद यदि सिर्फ कोई एक वेव हो, एक वेव की वजह से इस तरह से वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, मगर कहीं पर भी क्या सिर्फ एक ही वेव, क्या सिर्फ एक ही फोटोन हो सकता है? कभी नहीं। वी मे टेक अ वेरी फाइन बीम ऑफ लाइट रे, बट इवन दैट फाइन बीम ऑफ लाइट रे वुड कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स, लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ लाइट वेव्स। अब यदि हम कोई लाइट बीम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, जस्ट इमेजिन यह एक्स वाई प्लेन है और यह एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। We have got a fine beam of light ray traveling along x-axis. एक बिल्कुल बारीक सी a pencil of light ray traveling along x-axis. That fine beam of light ray would consist of thousands of waves traveling along x-axis. इस तरह से ढेर सारी वेव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही होंगी। अब हम कहते हैं किसी एक वेव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाई एक्सिस के अलोंग जनरेट होगी, किसी एक वेव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाई एक्सिस के अलोंग जनरेट हुई, तो किसी दूसरी वेव की वजह से उसी समय पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाई एक्सिस के अलोंग भी जनरेट होगी। कोई वेव ऐसी होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग जनरेट हो रही है, तो कोई वेव ऐसी भी होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जेड एक्सिस के अलोंग जनरेट हो रही है। हम कहते हैं यदि वहां पर इनफाइनाइट वेव्स हैं तो इनफाइनाइट वेव्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे एक्स वाई प्लेन में जनरेट होगी और पूरे एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बिकम जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जीरो हो जाएगी। सच अ पेंसिल ऑफ light ray due to which net electric field becomes zero would be called unpolarized light ray. इस तरह की light ray को हम unpolarized
लाइट रे कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट रे। अनपोलराइज्ड लाइट रे मतलब वह लाइट रे जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। हमारे चारों तरफ जो लाइट रे हैं, हम कोई सी भी पेंसिल ऑफ लाइट बीम लें, वह अनपोलराइज्ड ही होती है, उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब हम क्या करते हैं, इस तरह की अनपोलराइज्ड लाइट रे हम एक स्पेशल प्रिज्म, वी कॉल इट निकॉल्स प्रिज्म, से पास करते हैं। दिस इज अ निकॉल्स प्रिज्म। स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म, इस निकॉल्स प्रिज्म पर हमने इसी तरह की अनपोलराइज्ड लाइट रे इंसिडेंट कर दी। दिस इज अ फाइन बीम, अ पेंसिल ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट रे। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट रे। यह अनपोलराइज्ड लाइट रे निकॉल्स प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होती है और निकॉल्स प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होने के बाद, नाउ दिस इज अ रिफ्रैक्टेड लाइट बीम और इमर्जेंट लाइट बीम फ्रॉम निकॉल्स प्रिज्म। और अब यह लाइट बीम एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। नाउ दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। नाउ वी ऑब्टेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट, अ फाइन पेंसिल ऑफ लाइट रे। नाउ दिस इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब हम खास बात क्या देखेंगे, ड्यू टू ऑल दिस लाइट बीम द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड वुड बी यूनिडायरेक्शनल। इन सभी लाइट वेव की वजह से अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। मान लीजिए सारी लाइट वेव्स की वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वाई एक्सिस के अलोंग। सच अ बीम ऑफ लाइट रे फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंप्लीटली डायरेक्शनल। अब इस सिचुएशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी समय पर किसी भी पोजीशन पर फाइनाइट होएगी। सच अ पेंसिल ऑफ लाइट रे वी कॉल इट प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे। सच अ लाइट रे इज टर्म्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट रेज। ये वही लाइट रेस हैं जिनका इस्तेमाल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी। मैं एक और बार उस कंसेप्ट को रिकॉल कराता हूं। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन में यह कंसेप्ट सीख रखा है कि यदि किसी एक कार्बन से चार अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हों तो वह कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है, वह कार्बन कायरल सेंटर कहलाता है। ऐसे एसिमेट्रिक कार्बन के होने पर, ऐसे कायरल सेंटर के होने पर वह मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। उस ऑप्टिकली एक्टिव
मॉलिक्यूल का कैसा बिहेवियर होता है? भाई यदि उस ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन बनाया जाए और उस सॉल्यूशन से इस तरह की कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे पास की जाए, तो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे का बेंडिंग या तो राइट डायरेक्शन में हो जाता है या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाता है। यदि यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे किसी मॉलिक्यूल से, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल से राइट डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, तो फिर उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। और यदि यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, तो उस मॉलिक्यूल को फिर हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। उस जगह पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमने लाइट रे इस्तेमाल करी थी, वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे थी। इस तरह की अनपोलराइज्ड लाइट रे को पास करने से वहां कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होएगा। अनपोलराइज्ड लाइट रे का इस्तेमाल हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने में, ऑप्टिकल एक्टिविटी को कंक्लूड करने में कभी भी इस्तेमाल नहीं करते ये लाइट रे किसी काम की भी। यह अनपोलराइज्ड लाइट रे को, ये अनपोलराइज्ड लाइट रे जो है, इस अनपोलराइज्ड लाइट रे को हमने निकॉल्स प्रिज्म से पास करा। निकॉल्स प्रिज्म क्या करता है? निकॉल्स प्रिज्म में कुछ फिल्टर्स इस तरह के होते हैं कि वह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को ही अलाउ करता है, किसी दूसरी डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को वो इमर्ज होने ही नहीं देता। इधर जो अनपोलराइज्ड लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इसमें ढेर सारी वेव है और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में, मगर इस निकॉल्स प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इमर्जेंट रे होंगी, उन इमर्जेंट रे में सिर्फ वही लाइट वेव होंगी जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिक्स और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही। अब इन लाइट रे को मैंने लिया और एक फाइन बीम ऑफ एक्स फाइन बीम ऑफ लाइट रे अलॉन्ग एक्स एक्सिस ली, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग, इस तरह से यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, तो उसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे कहते हैं। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे का जो मैंने बताया कि रोटेशन हो जाता है कायरल सेंटर के थ्रू पास होने पर, ऐसा कैसे हो रहा है, जरा इस बात को भी समझे। जैसे पहले एक फिनोमेना, सपोज यह दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, यह पॉजिटिव पोटेंशियल और यह नेगेटिव पोटेंशियल। यह दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ऊपर वाली प्लेट मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल पर बना दी, नीचे वाली प्लेट मैंने नेगेटिव पोटेंशियल पर, मतलब इन दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वह इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक डायपोल रखता हूं, एक डायपोल में इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, इधर तो मैं रख देता हूं प्लस क्यू, इधर मैं रख देता हूं माइनस क्यू, और अभी मैंने यह डायपोल किसी भी ओरिएंटेशन में रख दिया। अब जैसे ही मैं इस डायपोल को रिलीज करूंगा, इसे फ्री छोड़ूंगा, तो क्या होगा? हम अच्छी तरह से जानते हैं यह डायपोल इसी तरह से नहीं खड़ा रहेगा, यह डायपोल उसी समय रोटेट करेगा
और यह इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप को एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रख लेगा और वह ओरिएंटेशन इस तरह से होगा, यह डायपोल ऐसे घूम जाएगा, इसमें प्लस क्यू इधर आ जाएगा, माइनस क्यू ऐसे आ जाएगा और इस तरह से यह डायपोल रोटेट कर जाएगा। अब जरा आप सोचिए, इधर कैपेसिटर प्लेट को मैंने फिक्स रख दिया था और कैपेसिटर प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल फिक्स हो गई और इस कैपेसिटर प्लेट का इनर्शिया काफी अधिक था, ये कैपेसिटर प्लेट हिल नहीं सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हिल सकती, प्लेट में कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, और इसमें मैंने एक बहुत कम इनर्शिया वाला डायपोल रख दिया। जैसे ही उस डायपोल को मैंने फ्री छोड़ा तो वो डायपोल इस तरह से घूम गया, यह फिनोमेना होता है। अब जरा सोचिए, यदि मैं डायपोल को बिल्कुल फिक्स रखता, यह डायपोल बिल्कुल फिक्स है, यह डायपोल नहीं मूव कर सकता, और जस्ट इमेजिन यदि मैंने कोई ऐसी कैपेसिटर प्लेट ली होती जिसका इनर्शिया जीरो होता, नेग्लिजिबल होता, कैपेसिटर प्लेट का इनर्शिया नेग्लिजिबल है मतलब कैपेसिटर प्लेट जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी बड़ी आसानी से घूम सकती है, और वहां पर अब मैंने ऐसी कैपेसिटर प्लेट इसी तरह से रखी तो अब जरा सोचिए क्या होगा, अब डायपोल बिल्कुल फिक्स है, डायपोल नहीं हिल सकता, डायपोल को मैं हिलने नहीं दे रहा, उसको टाइटली पकड़ रखा, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा, अब क्या होगा, अब जब डायपोल नहीं घूम सकता तो क्योंकि कैपेसिटर प्लेट का इनर्शिया कम है इसलिए अब कैपेसिटर प्लेट घूम जाएगी, कैपेसिटर प्लेट इस तरह से घूम जाएगी कि अब उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायपोल के हिसाब से अलाइन हो जाए। यहां फिनोमेना होगा, या तो डायपोल घूमकर डायपोल मोमेंट को और इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाइन करें, वो डायपोल नहीं घूम सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घूमे और डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ में अलाइंड हो जाए। हमने इलेक्ट्रिसिटी में ये बात तो अच्छी तरह से समझी है, अब इस बात को भी आप इसी समय सोचो कि ऐसा अवश्य होना चाहिए, और ऐसा कब होएगा, जब हम डायपोल को बिल्कुल टाइटली पकड़ लें और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर फ्री टू रोटेट हो। अब जरा सोचिए, जब हम एसिमेट्रिक कार्बन लेते हैं, एक कार्बन पर जब चार अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, एक कार्बन पर यदि चार अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो उन चारों फंक्शनल ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, कोई फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो कोई फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, कोई ज्यादा खींच रहा है तो कोई कम खींच रहा है, कोई ज्यादा रिपेल कर रहा है तो कोई कम रिपेल कर रहा है, चार अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होने से, चारों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होने से ऐसे मॉलिक्यूल में एक तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और एक तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, और वह मॉलिक्यूल एक डायपोल के माफिक बिहेव करने लगेगा। वो जो कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल है वो एक डायपोल बन जाता है, वो डायपोल इसलिए बन रहा है क्योंकि किसी एक साइड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी और किसी एक साइड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हल्की सी कम होगी। अब जरा सोचिए, ऐसे डायपोल के बगल में, ऐसे डायपोल के अक्रॉस जब यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट में पास होगी
यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे या इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वहां जो एसिमेट्रिक कार्बन है, वो जो कायरल सेंटर है, वो एक डायपोल है। अब हम कहते हैं उस डायपोल का डायपोल मोमेंट और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे अलाइन होना होगा। और हम कहते हैं यहां पर लाइट रे का इनर्शिया जीरो है, नेग्लिजिबल। यह लाइट रे बड़ी आसानी से किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है, और यह लाइट रे जब बड़ी आसानी से किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में बड़ी आसानी से रोटेट हो सकती, जबकि इसके मुकाबले वो जो कायरल सेंटर है, वो जो एसिमेट्रिक कार्बन है, उसका इनर्शिया काफी ज्यादा है। इस जगह पर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाइन करने के लिए कायरल सेंटर नहीं रोटेट करेगा, कायरल सेंटर में कोई मूवमेंट नहीं होएगा, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में कोई मूवमेंट नहीं होएगा। इनफैक्ट यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, जैसे कि यह कैपेसिटर प्लेट को हमने रोटेट होते हुए सोचा, यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, रोटेट हो जाएगी। यदि यह राइट डायरेक्शन में रोटेट हो गई तो उस मॉलिक्यूल को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहने लगेंगे, और यह यदि लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट हुई तो उस मॉलिक्यूल को हम लीवो रोटेटरी कहने लगे। आई सिंपली मीन टू से कि वहां पर जिस लाइट रे का इस्तेमाल है वो यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे है, और इस तरह से एसिमेट्रिक कार्बन के होने पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे का रोटेशन होता है। ऑल्दो ऑल दिस कंसेप्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।